नमस्कार, जयराम जी की। हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड पर। जिला में 21.2% को लगो टीका, सिर्फ 2.5% का दोनों डोज वैक्सीनेशन पूरे होवे में साल भर लगे। बात करो छतरपुर जिला की, जिला में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद धीमी है। टीकाकरण में छतरपुर जिला मध्य प्रदेश के महानगर के संग पड़ोसी जिला सागर से भी पीछे है। जिला के कुल 11,66,201 वयस्क आबादी को टीकाकरण करो जाने हैं, लेकिन अब तक मात्र 21.2% लोगों का ही टीका को पहला डोज लगा जा सको है। विकास विभाग के एक कामन की समीक्षा, बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पे छतरपुर जनपद ए को नोटिस। जी हाँ, बात करो छतरपुर जिला की, निर्माण कार्य में संबद्ध श्रमिकों की जानकारी पंचायत और क्षेत्रवार तैयार करें और लक्ष्य आपूर्ति के लाने आश्वासन नहीं, रिजल्ट शीघ्र दें। कोनो भी योजना की लक्ष्य पूर्ति में धीमी प्रगति होवे पे संबंधित अधिकारी पे कार्रवाई करी जाए। कलेक्टर सीरेंद्र सिंह जा निर्देश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की साप्ताहिक समीक्षा की बैठक में दो है। पीएम स्वनिधि योजना, 10,000 रुपया अदा कर चुके लोग 20,000 को कर्ज लेवे के पात्र है, नगर पालिका से कर सके आवेदन। बात करें छतरपुर की, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत छोटे दुकानदारों का 10,000 रुपया को ऋण नगर पालिका के सहयोग से बैंकन के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे लोग जो योजना को लाभ लेने के लिए पात्र हैं, वे अपना आवेदन नगर पालिका के DNULM शाखा में ऑनलाइन दाखिल करा सकते हैं। शुभ मुहूर्त खरीदी, मांगलिक और शुभ कार्य के लाने आज से 9 श्रेष्ठ मुहूर्त है। जी हाँ, बात करें मुख्य नक्षत्र की, बात करें शुभ मुहूर्त की, रवि पुष्य योग भले ही कोरोना कर्फ्यू के चलत रविवार का निकल गए हो और बाजार बंद होने से आप खरीदी नहीं कर पाए हो, लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है। अनलॉक के बाद अब जून के शेष समय में खरीदी और मांगलिक व शुभ कार्य के लाने अब 9 श्रेष्ठ मुहूर्त और पर्व बाकी। अस्तित्व की लड़ाई, बक्सवाहा में मौजूद शैलचित्र आदिवासी समाज की धरोहर और पूर्वजों की निशानी, शरद कुमरे कह रहे। जिला के बक्सवाहा क्षेत्र में आग की खोज के पहले शैलचित्र अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। करीब 25,000 ईसा पूर्व के अति प्राचीन जो शैलचित्र अपनी उपेक्षा की कहानी खुद बयान कर रहे हैं और इनमें से कई शैलचित्र का सराटी तपन ने क्षतिग्रस्त कर दो है, तो कई शैलचित्र में गहरी काई जम गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने इस शैलचित्र के संरक्षण और संवर्धन की मांग कर पाए आदिम काल के इन शैलचित्र का विश्व धरोहर घोषित करने की मांग उठाई है। पर्यावरण बचाओ अभियान के संस्थापक सदस्य सरस सिंह कुमरे ने कही कि जो शैलचित्र आदिवासी समाज की धरोहर और हमारे पूर्वजों की निशानी है। जागरूकता अभियान, संतुलित उर्वरक का लेके चलाओ जारो है अभियान। जी हाँ, बात करें टीकमगढ़ जिला की, कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर बीएस क्रास, वैज्ञानिक डॉक्टर यूएस धाकड़ और डॉक्टर आईडी सिंह मृदा विशेषज्ञ ने शुक्रवार का संतुलित उर्वरक उपयोग पे जागरूकता अभियान वर्चुअल ऑनलाइन कार्यक्रम करो है। जी मैं डॉक्टर धाकड़ द्वारा फसलन के लाने आवश्यक 17 पोषक तत्व के बारे में विस्तार से उनके कार और कमी के लक्षण पे जानकारी दी है। अनलॉक अलर्ट, सागर में 17 दिनों में 70 मौत, हर दिन 4 से ज्यादा मौतें, रीवा राजगढ़ जैसे जिला में भी ज्यादा मौतें भई है, उज्जैन में 0। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश 1 जून से अनलॉक हो चुका है पर कोरोना से मौतें अभी भी बेकाबू है। कोरोना की दूसरी लहर में लॉकडाउन के दौरान 50 दिनों में 123 मौतें भई है, यानी औसतन 2 से 3 मौतें, उतर अनलॉक के 17 दिनों में 70 मौतें भई है, यानी हर दिन 4 मौतें भई है। इसके बाद जबलपुर में 42 की जान गई, रीवा राजगढ़ बैतूल में 31 मौतें भई और जो आंकड़ा इंदौर भोपाल जैसे बड़े शहरों से काफी ज्यादा है। रात की बात चाहे कि इन 17 दिन में उज्जैन समेत 7 शहर ऐसे हैं जहां मौतन को आंकड़ा सुन रहा है। नर्सिंग स्टाफ ने बनाई विरोध की रणनीति, 12 सूत्रीय मांगन का लेके बीएमसी और जिला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने शुक्रवार का बड़ा फैसला लो है। जी हां, बात करें सागर जिला की, 12 सूत्रीय मांगन का लेके बीएमसी और जिला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने शुक्रवार का बड़ा फैसला लो है। बीएमसी में आयोजित हुई एक बैठक के दौरान 28 जून का सभी शासकीय नर्सिंग स्टाफ ने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश पे जावे को निर्णय लो है। यदि शासन ने मांगे पूरी नहीं करी तो 30 जून सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाए। तालाब में कुआं, पहले मनरेगा से तालाब बनवाओ फिर वही जगह पे खोदो है कुआं। जी हाँ, बात करें दमोह मर्यादों की, हट्टा जनपद की ग्राम देवरी में सरपंच द्वारा अपने सगे संबंधियों का शासकीय योजना को लाभ दो जा रहा है, जहाँ पे सरपंच द्वारा अपने सगे संबंधी और परिवार के गिटारी पटेल का 2 वर्ष पहले वही खेत में
की रानी लक्ष्मीबाई एक वीर और साहसी महिला थी। भले ही उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनके निर्णय हमेशा परिपक्व हुआ करते। जब अंग्रेजों ने झांसी पे आक्रमण करता और रानी लक्ष्मीबाई का पराधीनता के लाने विवश करो, तो उन्होंने अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार न करत भय अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़त भय अपने प्राणों को बलिदान दे दो। जब आज हिंदू जागरण मंच के विभाग महामंत्री नरेंद्र उपाध्याय ने गुरुवार का बुंदेला कॉलोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में महारानी लक्ष्मीबाई और माता जीजाबाई के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही है। ऐसे की जो खास और फटाफट खबरों के लाने बुंदेलखंड पर भी शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहे। जय राम जी की, जय बुंदेलखंड।